बॉलीवुड में रिश्ते बनना बिगड़ना बहुत आम सी बात है। ना तो यहाँ लोग घर बसाने में देरी करते हैं और ना ही उसे तोड़ने में। जमाने के साथ साथ लोगों ने अपनी सोच को भी इतना मॉडर्न कर लिया है कि अब तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अच्छे खासे रिश्ते को खत्म करने से भी ये लोग पीछे नहीं हटते। वहीं कुछ लोगों की जिंदगी वहीं उसी ट्रैक पर चलती रही कि बाहर भी रिश्ता बना लो और घर भी ना टूटे। अपने फिल्मी करियर के उस दौर में जब अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी हिट फिल्म की गारंटी हुआ करती थी, तब उस वक्त रेखा और अमिताभ के लव अफेयर के किस्से बहुत आम हो गए थे। अमिताभ की जिंदगी में रेखा उस वक्त पर आई जब अमिताभ और जया घर बसा चुके थे। अमिताभ जया को छोड़ नहीं सकते थे। बहुत चर्चों के बाद जब बात घर तक बिगड़ने लगी तो उन्होंने जया को चुनना बेहतर समझा और रेखा के साथ कभी काम ना करने की कसम खाई। अमिताभ की वो कसम आज भी कायम है और अपने ब्रेकअप से टूटी रेखा किसी और को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दे सकती थी, इसीलिए उन्होंने कभी शादी ही नहीं की। एक समय था जब आदित्य पांचोली भी अपनी शादीशुदा जिंदगी से भटक कर कंगना रनौत को दिल दे बैठे थे, लेकिन फिर बात को संभालते हुए उन्होंने अपनी पत्नी से माफी मांगी और सब ठीक कर लिया। वहीं बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख और खिलाड़ी अक्षय कुमार दोनों ने ही देसी गर्ल यानी प्रियंका चोपड़ा को अपना दिल दे दिया था। भला हो जो दोनों ने ही अपनी अपनी बीवियों से वक्त रहते माफी मांगी और इनकी बीवियों ने भी दिल बड़ा करके और कभी भी इन फ्यूचर प्रियंका के साथ काम ना करने का वादा लेकर माफ कर दिया। मानना पड़ेगा प्रियंका है ही ऐसी, कोई भी उन्हें देखकर अपना दिल हार बैठे। एक और नाम इस लिस्ट का हिस्सा है और शायद बहुत कम ही लोग इनके लव अफेयर के बारे में जानते होंगे, गोविंदा और रानी मुखर्जी। जी हाँ, एक साथ कई हिट फिल्में देने वाले गोविंदा और रानी मुखर्जी के साथ होने की अफवाहें बहुत वक्त तक आती रही, लेकिन फिर भी गोविंदा की पत्नी और उनके बचपन की दोस्त सुनीता ने उन्हें वापस घर का रास्ता दिखाकर ही दम लिया।